स्प्लेंडर जो कि हॉट सेलिंग प्रोडक्ट इनका रहता है। भाई नया साल आ गया है और मैं आ गया हूँ हीरो के शोरूम पर। कंपनी ने अभी रिसेंटली प्राइस को जो है अपडेट किया है। यदि आप अपने लिए हीरो कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो, चाहे इनका कोई भी स्कूटर हो 110 सीसी का, 125 सीसी का, कोई भी बाइक हो 100 सीसी की, 125 सीसी की, 110 सीसी की, 160 सीसी, 200 सीसी की, कोई भी बाइक चाहिए हो, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इनके सभी प्रोडक्ट को दिखाने वाला हूँ और उनकी प्राइस भी बताने वाला हूँ। एक्स शोरूम भी बताऊंगा, ऑन रोड भी बताऊंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इनके स्कूटर सेगमेंट से। स्टार्टिंग होती है इनकी प्लेजर प्लस से। इसमें मल्टीपल वेरियंट्स आते हैं, बहुत सारे वेरियंट आते हैं, लगभग 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैं देख पा रहा हूँ लगभग 12 वेरियंट आते हैं भाई प्लेजर प्लस में, जिसमें इनका टॉप एंड वेरियंट जो है वो एक्सटेक आता है। इसकी एक्सोर में स्टार्टिंग हो जाती है 69,000 से, 69,000 रुपये से। ऑन रोड आते आते ये पड़ जाएगी 84,000 रुपये के आसपास। और जो इनका टॉप एंड वेरिएंट है प्लेजर प्लस कनेक्ट वाला, उसकी एक्सोर प्राइस है लगभग 84,000 रुपये, और ऑन रोड आते आते पड़ेगी वो आपको 1,00,000 रुपये के आसपास। बहुत सारे वेरियंट आते हैं भाई प्लेजर प्लस में। यहाँ पर इनकी खड़ी हुई है, ये देखो प्लेजर प्लस, ये एक्सटेक नहीं है, ये देखो। अब बात कर लेते हैं इनके मेस्ट्रो एज की। 110 सीसी सेगमेंट में भी आता है ये स्कूटर और 125 सीसी में भी आता है। ये देखिए यहाँ पर अभी तो 125 वाला खड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको प्राइस जो है सबकी बताऊंगा। जो इनका एज वेरिएंट आता है VX, उसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 72,000 रुपये, ऑन रोड आते आते पड़ेगा 87,000 रुपये के आसपास। उसी में ही ZX जो वेरिएंट आता है 110 सीसी में, उसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 77,000 रुपये, ऑन रोड आते आते 87,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। आइए बात कर लेते हैं इनके सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट की, जूम। इसमें टोटल 3 वेरिएंट आते हैं, LX, VX और ZX। ये देखिए एक्सटेक में भी ये आता है। इसकी एक्सोरूम स्टार्टिंग होती है LX वेरिएंट में लगभग 76,000 रुपये से, ऑन रोड आते आते 90,000 रुपये के आसपास मिलेगा। जो इनका VX वेरिएंट है उसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 75,000 रुपये, ऑन रोड आते आते वही लगभग 90-91 के आसपास मिलेगा, 90,000-91,000। जो इनका ZX वेरिएंट है उसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 83,000 रुपये, ऑन रोड आते आते लगभग 1,00,000 रुपये के आसपास मिलेगा। जो इनका टॉप एंड वेरिएंट है ना, ये खड़ा हुआ है, ये देखो जूम एक्सट्रैक्ट। 125 सीसी के सेगमेंट में बात कर लेते हैं मेस्ट्रो एज 125। ये देखिए यहाँ पर दो कलर खड़े हुए हैं, एक और यहाँ पर कलर खड़ा हुआ है, ये देखो भाई ये एकदम लेटेस्ट वाला है। इसकी एक्सोरूम स्टार्टिंग होती है बेस वेरिएंट में लगभग 86,000 रुपये से, ऑन रोड आते आते 1,03,000 रुपये के आसपास। जो डिस्क में आता है LED वाला, इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 91,000 रुपये के आसपास। ये जो अभी अपने सामने खड़ा है, मैं आपको इसकी प्राइस बता रहा हूँ। इसमें कनेक्ट एडिशन भी आता है, ये देखो टॉप एंड वेरियंट इसका कनेक्ट एडिशन है। इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 91,000 रुपये, ऑन रोड आते आते ये पड़ जाएगा 1,10,000 रुपये के आसपास। और जो कनेक्टेड एडिशन है इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 96,000 रुपये के आसपास, ऑन रोड आते आते ये पड़ जाएगा 1,14,000 रुपये के आसपास, 1,14,000 के आसपास। जो इनका कनेक्ट वाला एडिशन है, ये देखो भाई क्विक बैकग्राउंड भी देख लो। स्कूटर सेगमेंट में ही इनकी डेस्टिनी भी आती है, ये देखिएगा 125 सीसी में भी आती है और 110 सीसी में भी आता है इनका ये वाला स्कूटर। सबसे सस्ता रहता है इनका डेस्टिनी प्राइम, इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 75,000 रुपये, ऑन रोड आते आते 91,000 रुपये के आसपास। और डेस्टिनी LX, VX, LX, XTEC, VX, XTEC, इतने सारे वेरियंट आते हैं। जो इनका VX XTEC वेरियंट है, इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 88,000 रुपये, ऑन रोड आते आते पड़ता है 1,06,000 रुपये के आसपास। इसका मैं आपको टॉप एंड वेरियंट भी दिखा देता हूँ, ये देखिए डेस्टिनी XTEC, ये रहा। आइए एंट्री ले लेते हैं इनके बाइक सेगमेंट में, जहाँ पर इनकी शुरुआत जो है हीरो HF से हो जाती है, HF 100, HF डीलक्स, स्प्लेंडर जो कि हॉट सेलिंग प्रोडक्ट इनका रहता है। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता हूँ, जो इनकी HF 100 है उसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 57,000 रुपये के आसपास, ऑन रोड आते आते ये पड़ जाएगी लगभग 70,000 रुपये के आसपास। HF डीलक्स उसके ऊपर आता है, जिसमें किक स्टार्ट वाला वेरिएंट भी मिल जाएगा, सेल्फ स्टार्ट भी मिल जाएगा और I3S वाला भी इसमें मिल जाता है। अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको सारी प्राइजेज जो हैं बता देता हूँ। HF डीलक्स, इसकी एक्सोरूम प्राइस स्टार्ट होती है लगभग 60,000 रुपये से, ऑन रोड आते आते लगभग 75,000 रुपये के आसपास। सेल्फ वाला है, उसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 67,000 रुपये के आसपास, ऑन रोड आते आते 82,000 रुपये के आसपास। और डीलक्स जो I3S वेरिएंट में आती है, उसकी एक्सोरूम प्राइस रहती है लगभग
69,000 के आसपास, 69,000 के आसपास ऑन रोड आते आते लगभग 84,000 के आसपास मिल जाती है। और रिसेंटली अभी कंपनी ने अपडेट किया था इसमें ब्लैक कलर, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है इनका कैनवास ब्लैक। इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 69,000 के आसपास ऑन रोड आते आते, ये भी 84,000 के आसपास मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इनके हॉट सेलिंग प्रोडक्ट की, स्प्लेंडर प्लस। इसमें भी मल्टीपल वेरियंट्स आते हैं, ये i3s में भी आती है, नॉन i3s में भी आती है, कई सारे ग्राफिक्स कलर में आती है, एक्सट्रैक में भी आती है, नॉर्मल भी अभी आती है, कैनवास ब्लैक में भी आती है। ये देखिए इधर, ये कैनवास ब्लैक में खड़ी हुई है। इसकी एक्स शोरूम स्टार्ट होती है बेस वेरिएंट में लगभग 75,000 से, ऑन रोड आते आते लगभग 91,000 के आसपास मिलेगी। और जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है स्प्लेंडर प्लस i3s, इसकी एक्स शोरूम प्राइस रहती है लगभग 77,000 के आसपास, ऑन रोड आते आते लगभग 93,000 के आसपास मिलेगी। और जो इनका एक्सटैक वेरिएंट आता है स्प्लेंडर प्लस एक्सटैक, इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 81,000 के आसपास, ऑन रोड आते आते लगभग 97,000 के आसपास मिल जाएगी। ये तो मैंने अभी आपको जो दो बाइक दिखाई हैं ये 100cc के सेगमेंट में आती है। इसी में ही पैशन प्लस भी आती है, ये भी 100cc की ही है। हीरो में टोटल अब तीन बाइक हो गई हैं 100cc में, ये देखिएगा, जिसको कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था कस्टमर की डिमांड पर। ठीक है भाई, इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 78,000 के आसपास, ऑन रोड आते आते लगभग 94,000 के आसपास मिल जाएगी। ये देखिएगा, इसमें दो यहाँ पर कलर खड़े हुए हैं, रेड कलर में भी आती है, सॉरी तीन कलर हो गए। ये देखो 100cc से ऊपर बढ़ते हैं तो पैशन एक्सटैक आती है इनकी, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। इसकी एक्सोरूम प्राइस रहती है लगभग 86,000 के आसपास, ऑन रोड आते आते 103,000 के आसपास मिल जाएगी। 125cc के सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर इनकी सुपर स्प्लेंडर आती है, इसमें कई सारे वेरिएंट आ जाते हैं। सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक में भी आती है, नॉर्मल में भी आती है, डिस्क में भी आती है और ड्रम में भी आती है। जो इनका नॉर्मल एडिशन है सुपर स्प्लेंडर का, इसकी एक्सोरूम प्राइस रहती है लगभग 81,000 के आसपास, ऑन रोड आते आते 97,000 के आसपास मिलेगी। सुपर स्प्लेंडर डिस्क वेरियंट में नॉर्मल वाली 85,000 की एक्सोरूम प्राइस है, ऑन रोड आते आते 102,000 के आसपास पड़ेगी। और जो इनका एक्सटेक वेरिएंट है, जो अभी अपने साथ में खड़ी हुई है, ये देखिएगा रेड कलर में है, सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक, ये भी दो वेरिएंट में आती है, डिस्क और ड्रम। ड्रम में इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 85,000 के आसपास, ऑन रोड आते आते 102,000 के आसपास पड़ेगी। और डिस्क वेरिएंट में इसकी एक्सोरूम प्राइस है टॉप एंड वेरिएंट में लगभग 89,000 के आसपास, ऑन रोड आते आते 106,000 के आसपास की पड़ेगी, ये जो अभी अपने साथ में खड़ी हुई है सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। ये तो ड्रम वेरिएंट में है, डिस्क वाली मैंने अभी आपको बताई है। टेक्नोलॉजी से भरपूर यदि आपको 125cc के सेगमेंट में चाहिए तो भाई आप इनकी ग्लैमर एक्सटेक की तरफ जा सकते हैं। इसमें भी मल्टीपल वेरिएंट आते हैं सुपर स्प्लेंडर जैसे, डिस्क में आती है, ड्रम में आती है, एक्सटेक में आती है और नॉर्मल एडिशन में भी आती है। इसके बेस वेरिएंट की एक्सोरूम प्राइस है लगभग 80,000, ऑन रोड आते आते ये पड़ जाएगी 96,000 के आसपास। और डिस्क वेरिएंट में नॉर्मल एडिशन में लगभग रहती है इसकी एक्सोरूम प्राइस 84,000, ऑन रोड आते आते 100,000 के आसपास मिलेगी। और जो इनका एक्सटेक वेरिएंट है ग्लैमर का, इसकी एक्सोरूम प्राइस रहती है लगभग 88,000, ऑन रोड आते आते पड़ेगी 105,000 की। यदि हीरो की बाइक चाहिए और अल्टीमेट परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इनकी एक्सट्रीम की तरफ जा सकते हैं। इसमें भी मल्टीपल वेरिएंट आते हैं, ये 2B में भी आती है, 4B में भी आती है, ये देखिएगा अभी अपने साथ में 2B में खड़ी हुई है। इसकी एक्सोरूम स्टार्टिंग होती है 119,000 से, ऑन रोड आते आते 144,000 के आसपास मिलेगी। जो एक्सट्रीम 160R 2.0 आती है उसकी एक्सोरूम प्राइस रहती है लगभग 132,000 की, ऑन रोड आते आते 159,000 के आसपास पड़ेगी। और जो इनकी 4B आती है कनेक्ट एडिशन में 160R 4B, इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 135,000 के आसपास, ऑन रोड आते आते पड़ जाएगी 162,000 के आसपास। 160R 4B में जो इनका टॉप एंड वेरियंट आता है उसकी एक्सोरूम प्राइस रहती है लगभग 139,000, 1,39,000, ऑन रोड आते आते पड़ जाएगी 166,000 के आसपास, 1,66,000 के आसपास। हीरो की कुछ और भी बाइक आती हैं, जैसे कि एक्सपल्स हो गई, एक्सट्रीम 200 4B हो गया, एक्सपल्स 200 4B हो गया और करिश्मा XMR, यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं आपको प्राइस ज़रूर बताऊँगा। एक्सपल्स 200T, इसकी एक्सोरूम प्राइस रहती है 141,000, ऑन रोड आते आते 169,000 के आसपास। एक्सट्रीम 200S जो 4B आती है इनकी, इसकी एक्सोरूम प्राइस रहती है लगभग 142,000, ऑन रोड आते आते 170,000 के आसपास। एक्सपल्स 204B जो इनकी आती है, इनकी एक्सोरूम प्राइस रहती है 146,000, ऑन रोड आते आते 175,000 के आसपास। और जो हीरो में सबसे टॉप एंड बाइक आती है करिश्मा XMR, जिसको कंपनी ने अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया था, इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 173,000, ऑन रोड आते आते पड़ेगी
2,05,000 रुपए के आसपास। जो भी व्हीकल्स की अभी मैंने आपको प्राइस बताई है, उसकी एक्सोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस जो है सभी व्हीकल्स की, स्कूटर और बाइक की जो है, वो आपकी स्क्रीन पर है। इसका आप एक रफ आइडिया लेकर चल सकते हैं।